कोरोना को हराने के लिए देश में बनाई जा रही वैक्सीन के काम को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 शहरों का दौरा करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी सुबह करीब 9 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां वो दवा कंपनी जाइडस कैडिला का दौरा करेंगे जो जोकोवेडी नाम के कोरोना वैक्सीन बना रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद जाएंगे और वहां भारत बायोटेक कंपनी का दौरा करेंगे। भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम का एक टीका बना रही है और शाम करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी पुणे जाएंगे और वहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। ये वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तीनों वैक्सीन कंपनियों से तैयारियों पर बात करेंगे और वैक्सीन आने के बाद उसे कैसे हर जगह पहुंचाया जाए इसकी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आज प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को देखने जाएंगे और आपको बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 9 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां वो दवा कंपनी जाइडस कैडिला का दौरा करेंगे। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में 2 दिन तक चले भारी हंगामे के बाद किसान संगठनों को दिल्ली में शर्तों के साथ दाखिल होने की इजाजत मिल गई और कुछ संगठन दिल्ली भी पहुंच गए। इससे पहले दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े किसान संगठनों ने दिल्ली हरियाणा की सीमाओं पर जमकर हंगामा किया और हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाले टिकरी बॉर्डर पर बहुत देर तक बवाल हुआ। टिकरी बॉर्डर पर किसान संगठनों से जुड़े लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड और खुदाई करने वाली मशीनों के अलावा एक ट्रक को भी बीच सड़क पर खड़ा किया था। गुस्साए लोगों ने सबसे पहले उस ट्रक को वहां से हटाने का फैसला किया और एक ट्रैक्टर पर बंधी रस्सियों के सहारे उसे खींचा गया। ट्रक रास्ते से हटा तो पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और लाठियां लेकर प्रदर्शनकारियों से उलझ गई। पुलिस की लाठियों के जवाब में किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने भी अपनी लाठियां उठा ली। भीड़ में शामिल कुछ लोग तो पुलिस पर हमला करते भी नजर आए। टिकरी बॉर्डर पर हंगामे को शांत करवाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, लेकिन ये कोशिश भी रंग नहीं लाई। पानी की बौछार ने हंगामा कर रहे लोगों को थोड़ी देर के लिए पीछे धकेल दिया, लेकिन इस तरीके से पुलिस उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई। आखिरकार प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस की सख्ती की वजह से टिकरी बॉर्डर पर बहुत देर तक हंगामे का माहौल बना रहा। इनके जो नेता हैं वो इन लोगों को फिलहाल संबोधित कर रहे हैं और आगे की रणनीति के लिए बता रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहुत देर तक धक्का मुक्की चलती रही और दिल्ली पुलिस की इजाजत मिलने से पहले सभी प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच की जिद पर अड़े रहे। टिकरी बॉर्डर की तरह सिंघू बॉर्डर पर भी किसान संगठनों ने बहुत देर तक बवाल किया और इस हंगामे के बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें एक प्रदर्शनकारी ने अपने ट्रैक्टर से 2 पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की। पुलिसकर्मी के ऊपर ट्रैक्टर चलाया गिरने की कोशिश की गई है। इससे पहले उन पुलिस वालों की कुछ लोगों से बहस हो रही थी, तभी वो आदमी तेजी से ट्रैक्टर लेकर दोनों पुलिस वालों की तरफ बढ़ा और उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। इस हमले में किसी तरह दोनों पुलिस वाले बाल बाल बच गए, लेकिन इसके बाद वहां खड़े प्रदर्शनकारियों ने उन दोनों पुलिस वालों पर लाठियों से हमला कर दिया। हालांकि सुबह के वक्त पुलिस की मुस्तैदी से किसान संगठनों से जुड़े लोग सड़क पर लगे बैरिकेड तक भी नहीं पहुंच पाए थे। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने भी ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दाग दिए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर गोलियां चल रही। इसी तरह का बवाल बहादुरगढ़ से दिल्ली की तरफ आने वाले रास्ते पर नजर आया। वहां हंगामा बढ़ते ही वहां पुलिस ने किसान संगठनों पर एक साथ वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल कर दिया। दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाली सभी सीमाओं पर इस तरह का हंगामा तब तक चलता रहा जब तक दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों के लोगों को दिल्ली में घुसने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने शर्त रखी कि सभी किसान संगठन दिल्ली के बुराड़ी इलाके के मैदान में प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे जाने की इजाजत उनको नहीं दी गई। पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निरंकारी ग्राउंड पे अलाउ कर दिया है, जो कि बुराड़ी में है। दिल्ली पुलिस की इजाजत मिलने के बाद टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर जुटे किसानों के लिए पुलिस ने भी रास्ते खोल दिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें कुछ बदमाश कपड़े के एक शोरूम में घुसकर उसके कर्मचारियों से मारपीट करते हुए दिखाई दिए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि 3 बदमाश अचानक शोरूम में घुसे और फिर वहां के कर्मचारियों पर टूट पड़े। जो भी उनके सामने आया उसे उन्होंने जमकर पीटा। सबसे पहले बदमाशों ने कर्मचारी को पीटते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। उसके बाद एक दूसरे कर्मचारी को भी बुरी तरह से मारा गया।
बदमाशों के लात और मुक्के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह हंगामा सुनकर शोरूम का मालिक वहां पहुंचा, लेकिन बदमाशों ने उसे भी धक्का दे दिया। हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी और उन बदमाशों को समझाने में जुटा रहा। काफी देर बाद हंगामा शांत हो सका और सभी बदमाश शोरूम से बाहर चले गए। जयपुर के पास एक चलती बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली से जयपुर जा रही इस बस में हाई टेंशन तार से टकराने पर करंट फैल गया और देखते ही देखते बस आग के गोले में बदल गई, जिसके बाद धुएं का गुबार उठने लगा। बस में आग लगने से उसमें सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस की छत और खिड़कियों से उठता काला धुआं पूरे इलाके में फैलने लगा। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों के अलावा हाईवे से गुजर रहे लोग घायलों को बचाने में जुट गए। खबर मिलते ही आमेर और जयपुर से फायर ब्रिगेड की टीमें भी पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि यह हादसा ड्राइवर की जल्दबाजी की वजह से हुआ। लाइन जा रही थी, उनकी हाइट थोड़ी कम रह गई तो वो तुरंत उनके गाड़ी के लग गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कई लोग झुलस चुके थे। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। जयपुर के एक अस्पताल में 6 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। जयपुर में राज्य के सबसे बड़े कोरोना सेंटर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल में 6 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। एक साथ 6 मरीजों के अपनी जान से हाथ धो बैठने के बाद उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने उनके इलाज में लापरवाही बरती। ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी डेथ हुई, कोई भी डॉक्टर राउंड पर नहीं था। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई। यहां पर पूरी तरह से ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई की व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी हुई, जिससे वहां बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। इसके बाद प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने का अभियान चलाया। भारत ने कोरोना वैक्सीन तैयार होने पर नेपाल को पहले देने का भरोसा दिया। नेपाल दौरे पर गए विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने फिर साफ किया कि भारत नेपाल को अपने दोस्त के तौर पर देखता है। यूपी के पूर्व मंत्री और रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किल और बढ़ सकती है। पिछली समाजवादी सरकार के दौरान राज्य में हुए जल निगम भर्ती घोटाले में एसआईटी ने उन्हें दोषी पाया। अब इस मामले में एसआईटी जल्द कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी। आजम खान दूसरे मामलों में पिछले कई महीनों से सीतापुर की जेल में बंद है। बीसीसीआई ने साफ किया कि रोहित शर्मा बेंगलुरु की नेशनल क्रिकेट अकादमी में फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने पर 11 दिसंबर को फैसला होगा। बीसीसीआई के मुताबिक रोहित को पहले अपने पिता की बीमारी की वजह से मुंबई लौटना पड़ा था, हालांकि उनके ठीक होने पर रोहित फिर बेंगलुरु चले गए। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रचार करने हैदराबाद पहुंच रहा है। आज सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद जाएंगे। योगी यहां रोड शो करेंगे और रैली भी करेंगे। वो मलकिजगिरी और हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में प्रचार करेंगे। इसके अलावा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी कल 29 नवंबर को अमित शाह हैदराबाद जाएंगे। अमित शाह सिकंदराबाद इलाके में रोड शो करेंगे। ये बेहद दिलचस्प होगा जब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में प्रचार के लिए उतरेंगे, क्योंकि बीजेपी और ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेताओं के बीच लगातार वार पलटवार चल रहे हैं। अमेरिका से तनाव के बीच रूस ने एक ऐसी मिसाइल के परीक्षण का दावा किया जो जंग छिड़ने पर अमेरिका के शहरों को भी तबाह कर सकती है। दावा तो यह भी है कि मिसाइल अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे उपग्रहों को भी नष्ट करने की ताकत रखती है, जिसे कजाकिस्तान के एक लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। रूस ने इस परीक्षण का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी सेना के जवान ट्रक पर लदी मिसाइल को जमीन के अंदर बने लॉन्च पैड में उतारते दिखे। बाद में जैसे ही इशारा किया गया, मिसाइल जमीन से बाहर निकली और आसमान की तरफ उड़ने लगी। ये मिसाइल रूस के नए एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, जिसे राजधानी मॉस्को समेत कई दूसरे अहम शहरों की हिफाजत के लिए तैनात किया जाएगा। लेकिन इसके कामयाब परीक्षण ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से भी 10 गुना तेजी से उड़ सकती है और इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि अंतरिक्ष में मौजूद दुश्मन के उपग्रहों को भी पलक झपकते तबाह कर सकती है। यही नहीं, इस मिसाइल में रूस की तरफ बढ़ रही किसी भी हमलावर मिसाइल को जमीन से काफी दूर स्पेस में ही अंतरिक्ष में ही नष्ट करने की क्षमता है। ये मिसाइल दूसरी इंटरसेप्टर मिसाइलों के मुकाबले परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और इसकी यही खूबी इसे बेहद खतरनाक बना देती है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नए कृषि कानूनों पर सरकार का बचाव किया, साथ ही उन्होंने इन कानूनों को किसान के लिए फायदेमंद बताया। सरकार का जो नया कृषि कानून है वो उनको समझ में नहीं आ रहा या किसानों के हित में वो नहीं है। हर प्रदेश में किसान है,
कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान समझ गया है कि ये कानून अपने पक्ष में है। एमएसपी से भी कोई ज्यादा देता है तो उसको बाजार में मिल बेचने की अनुमति दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के इस ट्वीट का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के आंदोलन के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है, देश भर में ऐसे आंदोलन होंगे, बीजेपी की सरकार रोक सके तो अब रोक ले। नहीं, पंजाब में यह राजनीतिक आंदोलन है, राहुल गांधी ट्वीट करते रहे लेकिन ट्वीट से कुछ भी नहीं होने वाला है। कांग्रेस का अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ है। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। वहां अरदास के दौरान एक आदमी ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रोज की तरह सुबह के वक्त बंगला साहिब गुरुद्वारे में अरदास होती दिखी। तभी वहां एक आदमी पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्थान थड़ा साहिब पर लेट गया। इसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद श्रद्धालुओं और सेवादारों ने फौरन उसे नीचे उतार दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई। इस बीच गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से नाराज सिख समुदाय के लोग उस पर टूट पड़े। हालांकि पुलिस के जवानों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नाराज लोगों के सामने उनकी एक न चली। मारपीट के दौरान उसके कपड़े भी फट गए। बाद में पुलिस के जवान उसे थाने ले आए, जहां पूछताछ के बाद उसे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ये बंगाल का पीछे से रहने वाला है, मेंटली अनस्टेबल था। इस घटना से नाराज सिख समुदाय के लोगों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। टीएमसी विधायक मिहिर गोस्वामी बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से इस्तीफा देने वाले विधायक मिहिर गोस्वामी बीजेपी में शामिल हो गए। फील वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट टुडे आई हैव जॉइंड एज ए मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया में कुछ बदलाव किए गए। घायल ईशान शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो गए। इसके अलावा नवदीप सैनी की कमर में दर्द की वजह से टी नटराजन को वनडे सीरीज में उनके बैकअप के तौर पर जगह दी गई। हालांकि नवदीप सैनी पहले वनडे मैच में खेलने उतरे थे। कुछ किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा और प्रदर्शन के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में जगह मांगी। इसके अलावा किसान संगठनों ने हाल में बनाए गए कृषि कानूनों को भी वापस लेने की मांग की। हालांकि अभी केंद्र ने पंजाब और हरियाणा से आए किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड में शांति से प्रदर्शन की मंजूरी दी है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने पहले विधानसभा में नीतीश पर निजी टिप्पणी की, जिसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन सदन के बाहर आकर उन्होंने एक बार फिर वही बात बोली। डर के कारण बेटी ना पैदा हो जाए, इसलिए आपने जो है दूसरा संतान पैदा नहीं किया। उनके तो एक पुत्र है और है कि नहीं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। जिसके बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी को भाषा की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दे दी। आगे बढ़ना है तो कम से कम व्यवहार सीखना चाहिए, इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है। फिल्म इंदु की जवानी का दूसरा गाना जारी कर दिया गया। ये गाना कियारा आडवाणी पर फिल्माया गया है। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई सीट पर सुशील मोदी राज्यसभा जाएंगे। बिहार में नीतीश सरकार बनने के बाद सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया गया था। कंगना रनौत के मुंबई दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि कोर्ट ने कंगना के दफ्तर में मुंबई के नगर निगम बीएमसी की तोड़फोड़ को गलत इरादे से की गई कार्रवाई बताया और बीएमसी की इस कार्रवाई से हुए नुकसान का हिसाब लगाने के आदेश दिए। इस रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान की भरपाई पर फैसला सुनाएगी। साथ ही कोर्ट ने कंगना को दिए गए बीएमसी के नोटिस को भी रद्द कर दिया। इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। थाईलैंड में लोकतंत्र की मांग और राजशाही के खिलाफ एक बार फिर प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा खोल दिया। वहां प्रदर्शन से जुड़े कई नेताओं को राजशाही का अपमान करने के आरोप में समन्स भेजे गए, जिसका लोगों ने विरोध किया। और इस मुद्दे पर राजधानी बैंकॉक की सड़कों पर उतर आए
प्रदर्शनकारियों की तादाद इतनी थी कि पूरी सड़क जाम हो गई। इस प्रदर्शन में उनके हाथों में हवा भरी हुई बत्तखों के खिलौने भी नजर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वहां के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। थाईलैंड में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन पिछले कई महीनों से जारी है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। दिल्ली से आने वालों की वजह से यूपी में हालात न बिगड़े, इसलिए प्रशासन ने रैंडम कोरोना टेस्ट करवाना शुरू कर दिया, जिसकी एक तस्वीर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर नजर आई। वहां जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंची, उसमें सवार सभी यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर एक कतार में खड़ा किया गया और रैपिड एंटीजन टेस्ट की मदद से कुछ लोगों का टेस्ट किया गया। एवरेज पर डे 250 से 300 हम लोग कर रहे हैं इस टेस्ट पर। एंटीजन टेस्ट के नतीजे 15 मिनट में ही आ जाते हैं, जिसमें अगर किसी यात्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे सीधे अस्पताल भेज दिया जाता है। स्टेशन के अंदर और बाहर जाने के रास्तों पर टेस्ट का इंतजाम किया गया। दिल्ली से आए यात्रियों के अलावा अगर ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनिंग में किसी और का तापमान सामान्य से ज्यादा आता है तो उसका भी रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है। TCS के संस्थापक फकीर चंद कोहली का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। देश में IT के पितामह कहे जाने वाले और TCS के संस्थापक फकीर चंद कोहली का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म आजादी से पहले 19 मार्च 1924 को पेशावर में हुआ था। BCCI सचिव जय शाह ने उत्तराखंड के देहरादून और मसूरी का दौरा किया और वहां स्टेडियम में युवा प्रतिभाओं के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी ली। लालू प्रसाद यादव की एक जमानत याचिका पर अब झारखंड हाईकोर्ट में 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में उन्होंने ये जमानत याचिका दायर की है। अब जो फैसला करेगा वो मानने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए TMC ने हिंदी भाषी वोटरों को साधने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए TMC ने हिंदी प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया, जिसके सदस्य चुनाव से पहले हिंदी भाषियों तक पहुंचेंगे और सरकार के काम गिनवाएंगे। हर चुनाव एक युद्ध है और हर चुनाव में एक एक वोट कीमती होता है। TMC की इस तैयारी पर BJP ने ममता बनर्जी को घेर लिया और उन पर हिंदी भाषी वोटरों की अनदेखी का आरोप लगा दिया। एक धार्मिक समुदाय के अलावा उनके चश्मे के सामने तो सब धुंधला है। अमेरिका से सूअर का मीट आयात करने के फैसले पर ताइवान की संसद में जमकर हंगामा हुआ। वहां सांसदों को सरकार के इस फैसले से जुड़ी जानकारी दी जानी थी, लेकिन अमेरिका से मीट मंगवाने का विरोध कर रहे विपक्षी सांसद बुरी तरह भड़क उठे और उन्होंने स्पीकर की मेज के आगे मीट के टुकड़े फेंकने शुरू कर दिए। विपक्षी सांसदों की यह हरकत देख सत्ता पक्ष के सांसद भी उनसे भिड़ गए, जिसके बाद सदन कुश्ती के अखाड़े में बदल गया। दो सांसद तो फर्श पर ही एक दूसरे को पटखनी देने लगे, जबकि कुछ दूसरे आपस में मुक्केबाजी करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां जमकर लात घूंसे चले और एक दूसरे के बाल खींचे गए। बवाल के बीच कई महिला सांसद भी एक दूसरे से जूझती दिखाई दी। पूरा फर्श मांस के टुकड़ों से सन गया। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद किसी तरह सांसदों को शांत कराया गया और सदन की सफाई शुरू की गई। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के विधायकों के साथ राहुल गांधी ने वर्चुअल बैठक की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सभी विधायक कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन के पक्ष में हैं। हालांकि बंगाल के विधायकों ने इसका फैसला पार्टी नेतृत्व पर छोड़ा है और मांग की है कि बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ा फैसला जल्द ही लिया जाए। बैठक में बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और प्रभारी जितिन प्रसाद भी थे। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोप पर खूब बवाल हुआ। राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दोनों नेताओं के बीच जोरदार बहस हुई और नीतीश कुमार तेजस्वी पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने सदन में बोलते हुए नीतीश पर लगे बरसों पुराने हत्या के आरोप का जिक्र किया, जिस पर वो भड़क गए और सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। तेजस्वी के आरोपों से आग बबूला हुए मुख्यमंत्री ने जब बोलना शुरू किया तो सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी सीट पर खड़े हो गए, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने भी वही किया। देखते ही देखते नौबत यह आ गई कि दोनों तरफ के विधायक वेल में आ गए और एक दूसरे से धक्का मुक्की करने पर उतारू हो गए, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन में बवाल इसलिए बढ़ा क्योंकि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साल 1991 में लगे हत्या के आरोप के बारे में बात की, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने दलील दी कि CM पर हत्या का जो मामला चल रहा था उसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, इसलिए इसकी सदन में चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव दोबारा खड़े हुए और फिर वही बात दोहराई और नीतीश को घेरा। यही नहीं, मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने
कंटेंट चोरी का वो मामला भी उठा दिया जिसमें उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि नीतीश पर लगे हत्या के आरोप को बिना जांच के खत्म कर दिया गया था। 1991 में इन पे मर्डर का मुकदमा चला, 2020-21 में कैसे उस केस को खत्म किया गया, रफा दफा किया गया बिना किसी इंक्वायरी के, जांच के, ये सब लोग जानते हैं। ये सुनते ही नीतीश का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ऐसा बहुत कम बार देखा गया है जब नीतीश कुमार इतने गुस्से में नजर आए हों। उन्होंने तेजस्वी यादव पर जवाबी हमला करते हुए उन पर लगा एक एक आरोप गिनवाया। इस पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? आज जब इस पर आरोप आया हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। क्यों नहीं, 17 में एक्सप्लेन किया था, आज चार सीटर है। साथ ही वो ये बताना भी नहीं भूले कि अब तक वो पुराने रिश्तों का लिहाज करके चुप थे। झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? बिहार चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ऐसा मौका आया था जब नीतीश और तेजस्वी के बीच जबानी जंग छिड़ी थी और सरकार बनने के बाद ये जंग और तीखी हो गई। नीतीश कुमार ने विधानसभा में जब पुराने रिश्तों का जिक्र कर तेजस्वी यादव पर हमला बोला तो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी तिलमिला गई। उन्होंने नीतीश पर विवादास्पद बयान दे दिया। हम लोग का 75 आया, 43 आया, जनता लात मारा उनको कौन जानता था। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनावों से पहले ममता बनर्जी की पार्टी के एक विधायक मिहिर गोस्वामी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिहिर ने कहा कि ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में विकास नहीं किया इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मिहिर ने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बंगाल में विकास होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को झटका लगा है और टीएमसी के विधायक मिहिर गोस्वामी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पहले भी कई टीएमसी के नेता शामिल होते रहे बीजेपी में, लेकिन चुनाव से एन वक्त पहले आपके बीजेपी में आने की क्या वजह है? चुनाव का लिए कोई बात नहीं है, बात तो है एक्चुअली ए पॉलिटिकल पर्सन ऑलवेज थिंकिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिज ओन एरिया। लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसका डेवलपमेंट हम लोग नहीं देखा। आज हम विश्वास करता हूं भारत का प्रधानमंत्री बिलाबेट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई दामोदर मोदी जी, उन्हीं का लीडरशिप में बंगाल को बहुत भालो फसल मिलेगा। मैं तो चाहूंगा शिवेंद्र जी सारे बाधा छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाइए। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रहे डिएगो माराडोना के अंतिम संस्कार से पहले उनकी आखिरी झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अंतिम दर्शन के लिए माराडोना का शव अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के दफ्तर में रखा गया था। लेकिन इससे पहले कि डिएगो माराडोना का शव कब्रिस्तान ले जाया जाता, अपने हीरो को आखिरी विदाई देने के लिए उनके हजारों फैन राष्ट्रपति दफ्तर के बाहर जुट गए। कुछ तो इमारत की बाउंड्री पर चढ़कर माराडोना के लिए गाने गाने लगे। माराडोना के लिए लोग इस कदर पागल नजर आए कि पुलिस और उनके बीच झड़प की छिटपुट घटनाएं भी हुईं। पुलिस को उन पर पानी की बौछार तक करनी पड़ी। इस बीच अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी डिएगो माराडोना को श्रद्धांजलि देने के लिए हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे और इसके बाद भारी सिक्योरिटी के बीच जैसे ही एक गाड़ी माराडोना के पार्थिव शरीर को लेकर राष्ट्रपति दफ्तर से निकली, लोग उसके पीछे दौड़ पड़े। माराडोना के लिए लोगों में ऐसी दीवानगी दिखी कि वो उनकी शव यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों में कब्रिस्तान तक चल दिए और जिनके पास गाड़ी नहीं थी वो जहां जगह मिली वहीं खड़े हो गए, कुछ हाईवे के किनारे तो कुछ ब्रिज पर। आखिरकार डिएगो माराडोना का शव कब्रिस्तान पहुंचा जहां उसे दफना दिया गया।